these content creators, new generation of content creators, require to be a good content creator. तो ये बात शुरू होती है जब गूगल ने 14 फरवरी 2005 में YouTube नाम के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। तब ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, लेकिन 2007 में जब YouTube ने अपना पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका मोटो था न्यू क्रिएटर्स कैन अर्न मनी, तब जाके एक नया ट्रेंड चालू हो गया और जिसे हम आज के जमाने में क्रिएटर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्रिएटर इकोनॉमी आखिर है क्या और इस पर क्रिएटर्स पैसा कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क्रिएटर इकोनॉमी है क्या। जब ऑर्डिनरी लोग सॉफ्टवेयर फैसिलिटेटेड प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाते हैं, उसे पोस्ट करते हैं एंड उस कंटेंट से पैसे कमाते हैं, हम उसे क्रिएटर इकोनॉमी बोलते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विच और ओनली फैंस, जी हाँ ओनली फैंस भी क्रिएटर इकोनॉमी के अम्ब्रेला के नीचे आता है, पर हर कॉन्टेंट क्रिएटर इकोनॉमी के अंडर नहीं आता। कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम का कॉन्टेंट बनाते हैं, पर मैं उन क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जैसे तन्मय भट्ट, भुवन बाम और कैरी मिनाटी। ये क्रिएटर्स इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी के एकदम टॉप पर बैठे हैं। पर आखिर ये क्रिएटर्स पैसे कैसे कमाते हैं? तो पहले YouTube ही एक प्लेटफॉर्म था जहाँ क्रिएटर्स कंटेंट बना के अपलोड करते थे और उन कंटेंट के एड रेवेन्यू से वो पैसा कमाते थे, पर ये एक सस्टेनेबल तरीका नहीं था पैसे कमाने का। इवेंचुअली इन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट्स यानी कि ब्रांड्स को अपने चैनल्स पे प्रमोट करना शुरू किया। इससे उनके लिए एक नई स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हो गई, पर अब सीन थोड़ा अलग है। तो अब काफी हद तक ब्रांड्स और इंडस्ट्रीज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं और इसका श्रेय जाता है इंस्टाग्राम और टिकटॉक को। तो अब जहां एक ब्रांड एक यूट्यूब क्रिएटर को प्रमोशन का पैसा देती थी, अब वो वही पैसा अलग अलग क्रिएटर्स में स्प्लिट करती है ताकि उनकी रीच बढ़ सके। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में भी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो मैं हमारी अगली वीडियो में बताऊंगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये था हमारी 10,000 करोड़ क्रिएटर इकोनॉमी का एक ब्रॉड ओवरव्यू। तो अगर आप भी एक अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये सही टाइम है आपके पास इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने के लिए। तो हमारी अगली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में ज्यादा लोग नहीं बोलते। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं अगली वीडियो में।